ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा बलिया पहुंची। यहां उन्होंने अनिल राजभर निशाना साधते हुए उन पर कहा कि वो अभी बच्चा है और राजनीति में कच्चा है, उसको राजनीति सीखनी पड़ेगी। अभी सपा में था तो कुछ सीखा, अमर सिंह के साथ था तो कुछ सीखा, अब यहां आकर के सब सीख रहा है। तो हम वहाँ जैसे यहाँ हमारी आबादी है उसी तरह बिहार में सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना चारों तरफ इसी तरह आबादी है। कोई पहल नहीं कर रहा था, हम जितना कोशिश करते थे यूपी बिहार उतना हम उठ पाते थे। अब इस बार थोड़ा उनमें भी जोश चढ़ा है, बच्चा है और राजनीति में कच्चा है। अभी वो बच्चा है, राजनीति में कच्चा है और समाज का लड़का है, अभी उसको राजनीति सीखना पड़ेगा। कौन बच्चा है जिसको आप पूछ रहे? वहीं भदोही पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डूब चुकी है, अभी नहीं चेते तो अगले चुनाव में पूरा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की तुलना सर देखो, जिसको जनता नकार दी हो उसके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया हो उसके जवाब का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस अपने लोगों को सहेज है, कांग्रेस अपने अंदर बदलाव लाए, देश के विखंडन अपने लोगों का तोड़ फोड़ हुआ है, कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव लाया, 70 साल से 70 गुना दलदल में डाल दिया, अब कम से कम जब कुछ अगर बदलाव लाएगी तो जनता शायद उनको सोचेगी। तो भड़काऊ भाषण मामले पे अब सपा नेता आजम खान पर कोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद 27 अक्टूबर को अंतिम फैसले के लिए रामपुर की MP MLA कोर्ट एक तारीख मुकर्रर कर दी है। देखिए, मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस पर रामपुर के मिलक थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है, बहस हो चुकी है, फैसला माना यह जा रहा है कि 27 अक्टूबर को सामने आएगा। ये कल जो से अपनी पूरी बहस कर दी थी कि ये जितने भी भाषण हैं ये हमारे भाषण नहीं हैं, ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और फर्जी तरीके से अदालत में जो, और ये भाषण था वो साबित भी नहीं है अदालत के अंदर, और जो प्रोसिक्यूशन है अभियोजन पक्ष है वो अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है और हमारा केस पूरा छूटने का है। और आज अभियोजन ने, हमने जो कल बहस करी थी उसका आज जवाब दिया था, उनके जवाब में भी जो हमने जो पॉइंट उठाए थे वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, तो ये केस जो है कहीं से कहीं तक अभियोजन अपना साबित नहीं कर पाया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।